दोस्तों टीवी इंडस्ट्री में फिर एक बार एक दुखद घटना घटी है, जहां फिर एक बार टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि ससुराल सिमर का और ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर हैं, जिन्होंने कल यानी 16 अक्टूबर को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। और इन्हें इस सुसाइड को सुनकर पूरी टीवी इंडस्ट्री के सितारे सदमे में आ चुके हैं, जहाँ सभी इनके इस सुसाइड पर अपना अलग अलग रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ इनके को स्टार रह चुके शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ ने भी इनके इस सुसाइड पर अपना रिएक्शन दिया है, और इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम द्वारा दिए गए रिएक्शन के बारे में बताने वाले हैं। अगर जानना चाहते हैं आप भी तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं। शोएब इब्राहिम, सबसे पहले बात करते हैं ससुराल सिमर का सीरियल में इनके को स्टार रह चुके अभिनेता शोएब इब्राहिम की, जिन्होंने ससुराल सिमर का सीरियल में सिद्धार्थ का किरदार निभाया था। बता दें कि जब इन्होंने वैशाली ठक्कर की इस आत्महत्या के बारे में सुना तो वो हैरान रह गए और उन्हें बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि एक समय था जब शोएब इब्राहिम ने वैशाली ठक्कर के साथ काम किया था और उनके साथ शूटिंग के दौरान शोएब इब्राहिम काफी मस्ती मजाक करते हुए भी नजर आते थे। लेकिन जब शोएब इब्राहिम को ये खबर मिली तब से ही शोएब इब्राहिम काफी सदमे में हैं, और उनका कहना है कि वैशाली ठक्कर एक बहुत अच्छी इंसान थी, मुझे उनके बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है जो अच्छा इंसान होता है वो इस दुनिया को जल्दी छोड़कर चला जाता है और हमें भी अपनी बहुत अच्छी अच्छी यादें दे जाता है, और उसी तरह वैशाली ठक्कर भी हैं जो हमें अपनी बहुत अच्छी अच्छी यादें देकर गई हैं। नंबर दो, दीपिका कक्कड़। अब बात करते हैं ससुराल सिमर का सीरियल में इनकी को स्टार रह चुकी अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ की, जिन्होंने सीरियल में सिमर का किरदार निभाया था। और दीपिका कक्कड़ ने जब इनकी इस सुसाइड की खबर सुनी तब से ही वो सदमे में हैं, क्योंकि दीपिका कक्कड़ ने वैशाली ठक्कर के साथ काफी अच्छा समय बिताया था, जिसे याद करते हुए दीपिका कक्कड़ ने काफी ज्यादा रोते हुए कहा कि उसके साथ ये नहीं होना चाहिए था, उसके साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, किसी भी इंसान को इस हद तक पहुंचाना कि वो अपनी जान ही ले ले, ये कहां का न्याय है, और मैं चाहती हूं कि वैशाली को न्याय जरूर मिले और भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। वेल दोस्तों, आप इन सितारों के इस रिएक्शन के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।